Assalamu alaikum. Welcome to the channel The Chemist. In this video, I will tell you about the Pi-Acceptor Capacity. It is also called as Pi-Acidity. Definition of the Pi-Acceptor Capacity is the ability of accepting charge density back to the low-lying empty pi orbitals of the ligand is called Pi-Acceptor Capacity. Now, what this definition mean to us? This definition explains that when a ligand form a bond with the metal by donating its lone pair. Metal is in it a high charge density. Now metal donate its charge density back to the ligand by forming a pi bond. This pi bond is known as pi acidity. कि मतलब ये जो बॉन्ड मेटल का चार्ज डेंसिटी जो डोनेट कर रहा है बैक डोनेशन हो रही है मेटल से लिगेंड की तरफ ये पाई एक्सेप्टर एसिडिटी कहलाते हैं ये प्रॉपर्टी मेटल ट्रांजिशन मेटल्स की डोनेट बैक डोनेशन की बैक डोनेट करने की चार्ज डेंसिटी को अब हम पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी की टर्म की कि कहां से ड्राइव की गई है कहां से निकली है ये टर्म तो सबसे पहले जो टर्म है पाई एक्सेप्टर एसिडिटी इस ड्राइव की गई है लिविस कांसेप्ट से लिविस का जो एसिड कांसेप्ट है जो लिविस एसिड्स होते हैं उनमें भी ये एबिलिटी होती है कि वो चार्ज डेंसिटी को गेन कर सकते हैं मतलब लोन पेयर गेन ऑफ लोन पेयर होता है तो इसी कांसेप्ट को हम लेके हम पाई एसिडिटी से रिलेट करते हैं कि लिविस कांसेप्ट ये है कि लिविस कांसेप्ट एसिड्स का ये है कि उनमें भी एबिलिटी होती है कि वो या और कैपेबल होते हैं कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं तो चार्ज डेंसिटी में भी ये होता है कि लिगेंड जो होता है ट्रांजिशन मेटल से जो चार्ज डेंसिटी उसने पहले उसे डोनेट की होती है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर को वो उसे इन बैक डोनेशन में पाई बॉन्ड के फॉर्म में दोबारा से गेन कर लेता है इसकी एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स कौन-कौन सी है कार्बोनाइल ऐसे लिगेंड्स हैं नाइट्रोसाइल्स ऐसे लिगेंड्स हैं जो बैक डोनेशन में मतलब इनके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो सबसे पहले वो मेटल को डोनेट करते हैं डोनेट करने के बाद जब मेटल आपका हो जाता है हाई चार्ज डेंसिटी में तो मेटल से बैक डोनेशन होता है चार्ज डेंसिटी का लिगेंड की तरफ को जैसे ये लिगेंड है ये मेटल है लिगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है लिगेंड ने ये डोनेट किए हैं मेटल को यहां पे सिग्मा बॉन्ड बन गया अब मेटल यहां पे क्या है हाई चार्ज डेंसिटी में अब ये चार्ज डेंसिटी जो दोबारा से वो लिगेंड की तरफ को बैक डोनेट करता है बैक डोनेशन में जो यहां पे बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इस चीज को शो करती है कि यहां पे पाई एसिडिटी प्रेजेंट है अब मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूं कार्बोनाइल का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम पाई एसिडिटी के कांसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम की पाई एसिडिटी के कांसेप्ट को हम लोग यहां पे एक्सप्लेन करेंगे क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल के साथ स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्रोमियम हम नोबल गैस से स्टार्ट करेंगे ऑर्गन 18 3d 5 4s 2 4p 0 क्रोमियम और कॉपर के केस में एनर्जी लेवल्स के इंटरमिक्सिंग की वजह से कि जो डी एनर्जी लेवल है वो हमारे पास लो लाइन में होता है तो सबसे पहले डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है हुंस रूल के अकॉर्डिंग और उसके बाद आपका एस सबशेल जो है वो कंप्लीट होता है ये 4s1 है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए दीज आर द ऑर्बिटल्स d orbital here s orbital and these are 3 p orbitals that are empty f
फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंस रूल एज शोन इन द कॉम्प्लेक्स क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल. देर आर सिक्स कार्बोनाइल्स प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट विद द क्रोमियम. टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एंड वन ऑन कार्बन. सेम इन दिस केस एंड सेम इन द लास्ट वन. हियर कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द पी ऑर्बिटल. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द पी ऑर्बिटल. And here is also the donation of electron to the p orbitals. यहाँ पे भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. यहाँ पे donation, यहाँ पे हम लोग partial sigma bond बनेगा हमारे पास और यहाँ पे partial pi bond बनेगा. इसी तरह यहां पे सेम इन दिस केस वन इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द एस ऑर्बिटल. हियर वन इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द वन डी ऑर्बिटल. वन इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द सेकेंड डी ऑर्बिटल एंड द रिमेनिंग वन फॉर्म. दीज आर द सॉलिड सिग्मा बॉन्ड्स. And here partial pi bonds form with the remaining one electron. मतलब यहाँ पे जो तीन bond बन रहे हैं वो कौन से bond हैं? इसमें तीन हमारे पास sigma bond बन रहे हैं और तीन pi bond बन रहे हैं यहाँ पे. और ये जो pi bond बन रहे हैं ये इस चीज को show करते हैं कि यहाँ पे pi acidity present है, जो कि लिगेंड्स शो कर रहे हैं कार्बोनाइल की तरफ से. इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. क्रोमियम कार्बोनाइल है, इधर भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका. जो लोन पे डोनेट किया जाता है वो ऑक्सीजन की तरफ से नहीं होता, वो कार्बन की तरफ से ही होता है. क्योंकि कार्बन पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, वैसे तो ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन पाई एक्सेप्टर एसिडिटी में जो लोन पेयर डोनेट किया जाता है ट्रांजिशन मेटल को, वो कार्बन की तरफ से किया जाता है. ये इसका स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. ये यहाँ पे जो तीन बॉन्ड बन रहे हैं, मैं जिसे डॉटेड लाइन के साथ शो कर रही हूँ, ये हमारे पाई बॉन्ड है जो पाई एसिडिटी की वजह बनते हैं. If you like this video, then subscribe to my channel for more videos on chemistry. Thanks for watching.